हेलो स्टूडेंट, मैं भानु तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। आज देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा। ठीक है, तो तीसरा है हमारा टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। हमें लाना है 1 प्लस सेक थीटा कोशेक थीटा। ठीक है, हमें ये आंसर ऐसा लाना है। ठीक है, आर एच एस बराबर एल एच एस। ठीक है, एल एच एस बराबर आर एच एस लाना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो हमें दिया टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। मैंने आपको बताया था कि इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम देखेंगे कि कोई सरसमिका तो नहीं लग रही है। ठीक है, लग रही है, कोई सरसमिका नहीं लग रही है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है मुझे, साइन और कॉस में तोड़ना है। नंबर 2 में करना है मुझे साइन और कॉस में तोड़ना है। मैं इसको साइन और कॉस में तोड़ देता हूँ। ठीक है, पहले मैं इतने को साइन और कॉस में तोड़ दूँ इसको। ठीक है, टेन थीटा, अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है मेरा, कॉट थीटा बराबर होता है मेरा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर मैंने आपको कल लिखाया था, चल कल आपको मैंने जब सरसमीकरण लिखाई थी तो टेन थीटा बराबर था मेरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इस टाइप से मैंने आपको सरसमीकरण सारी लिखाई, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, आगे को हल करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे ही आएगा पूरा में बट्टे साइन थीटा एकम साइन थीटा। ठीक है, यहां से इसको गुणा करेंगे तो साइन थीटा ऐसे ही आ जाएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एज इट इज आएगा, जैसे है वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसको हल करते हैं तो देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसकी गुणा इन दोनों की। ठीक है, इसको पलट के इन दोनों से गुणा कर दूंगा। ठीक है, मेरा क्या होता है, इसकी गुणा इससे होती है, इसकी गुणा इससे होती है। ठीक है, तो ऐसे मैं इसको गुणा कर दूंगा, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। अगर मैं इसकी गुणा इससे करूंगा तो साइन थीटा की गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अगर इसकी गुणा करूंगा तो साइन थीटा कॉस थीटा की, कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा कोष्टक के बाहर, कोष्टक के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, इतना मैंने ये हल कर लिया। ठीक है, ये इतना हल कर दिया, अब मैं इसे हल कर लेता हूँ, ये प्लस वाला। ठीक है, कॉट थीटा है। ठीक है, प्लस कॉट थीटा। अब अगर मैं कॉट थीटा को साइन और कॉस में तोड़ूं तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, फिर पूरा अपॉन, अब 1 माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है मेरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, अब क्या करूंगा, अब फिर वही मैं वही करूंगा, यहां से इसको इधर गुणा करूंगा। ठीक है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पूरा अपॉन, अब ठीक है, अब पूरे का अपॉन कॉस थीटा को इधर गुणा करूंगा, कॉस थीटा विकम कॉस थीटा माइनस ये साइन थीटा ऐसे ही अपॉन कॉस थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, आप क्या करना है मुझे, अब मैंने बताया था कि आपको इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी इससे गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा कॉश स्क्वायर थीटा। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे इसका पक्षांतर, अगर मैं इसको पलट दूं तो मेरा कॉश इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा अपॉन, ये आ जाएगा मेरा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा ऐसे ही उतर जाएगा, साइन थीटा ऐसे ही उतरेगा मेरा। ठीक है, साइन थीटा के साथ ये गुणा हो जाएगा मेरा साइन थीटा कॉश थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, मेरा दोनों मैंने हल कर लिए। ठीक है, बीच में आ गया प्लस, बीच में आ गया मेरा प्लस। ठीक है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो अब क्या आया मेरा, इतने को सॉल्व करने के बाद मेरा क्या आया। ठीक है, इतने को सॉल्व करने के बाद मेरा क्या आएगा, इतने को सॉल्व करूं, इतने को सॉल्व करके मेरा आ रहा था यहाँ पे, इसको भी सॉल्व कर लिया, इसको भी, इसको सॉल्व करके आया मेरा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, थीटा अंदर बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस बीच में प्लस का चिन्ह था, कॉट थीटा जब मैंने चेंज किया था तो क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बचा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे सॉल्व आप मुझे करना है। ठीक है, ये मुझे सॉल्व करना है, अब मैं क्या करूंगा। ठीक है, अब देखो इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकता हूँ मैं। ठीक है, इसमें मुझे अब क्या करना है। ठीक है, इतना मैंने सॉल्व किया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद अब मैं इसमें क्या देखूंगा कि यार मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, मैं क्या करूं, यहाँ पे एक चीज कॉमन मिलेगी देखो मुझे। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, दोनों से कॉमन ले लूंगा बाहर। ठीक है, दोनों से कॉमन लिया। अब यहाँ पे मैंने माइनस कॉस है, यहाँ प्लस कॉस है, यहाँ साइन का प्लस है, यहाँ साइन का माइनस है। अब मैंने क्या किया, यहाँ तो साइन का प्लस बाहर ले लिया, तो अंदर क्या माइनस से अंदर है, यहाँ पे मेरा ये प्लस में है, ये माइनस में, तो अंदर का माइनस अंदर ही रह जाएगा क्योंकि मैंने कॉमन क्या लिया है बाहर, प्लस का साइन लिया है। ठीक है, मैंने प्लस का साइन लिया है तो अंदर का माइनस यहीं पे अंदर का माइनस वहीं पे रह जाएगा क्योंकि मैंने प्लस का कॉमन लिया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, अंदर क्या बचा, फिर इतना मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे बचा साइन थीटा। अब देखो मैंने क्या बोला, ये यहाँ पे माइनस बचा, यहाँ पे क्या बचा है, माइनस का बचा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस कॉमन लिया है, ये प्लस का है ना, प्लस कॉमन लिया तो अंदर माइनस ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, ये मेरा जो माइनस आ जाएगा यहाँ पे ऐसे का ही ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि ये बचा तो मेरा माइनस का चिन्ह बचा, माइनस के साथ लगेगा, माइनस को हटा के मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, अब मेरा बच गया माइनस यहाँ पे। ठीक है, आया समझ। ठीक है, अब देखो अब मुझे यहाँ से आगे को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या करूं, अब मेरे पास एक और मेथड है, अब मैं क्या करूंगा, इसको इसको ऐसे रहने दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे रहने दो, इसको ले लो लॉस हो, फिर इसका कॉस थीटा और साइन थीटा का लॉस हो, ले लोगे कॉस थीटा साइन थीटा, इन दोनों का लॉस हो, कॉस थीटा साइन थीटा आ गया। अब लॉस हो लिया कॉस थीटा से कॉस, अगर यहां से सीधे करोगे या तो इसको सीधे कर लो। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों को ले लिया आप सीधे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो ऐसे क्रॉस। ठीक है, क्रॉस में कर दो क्योंकि आपने ये दो ले लिए। ठीक है, हर को यहाँ पे लॉस ले लिया। ठीक है, अब दोनों को इधर कर दो, साइन से इसको करूंगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी साइन क्यूब थीटा। ठीक है, साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा, गुणा करने पर घाते जुड़ जाती है, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा तो घात होगी एक, एक प्लस दो तीन, तो ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। तो मेरा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, ये आ गया, इतना सॉल्व करके मेरा इतना मुझे मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना सॉल्व करके मुझे यहाँ पे ऐसे मिल गया। ठीक है, अब देखो अब कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, एक फॉर्मूला बन रहा है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। अब ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पे ये रख देना है। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, रख दो मान। ठीक है, इतना बराबर इतना है, अब इसमें मान रखना ए माइनस बी, ए क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए क्या है
साइन थीटा बी कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहां तक हमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आने वाली मुझे नहीं है, ठीक है, आगे भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है, इतना सॉल्व किया। अब देखो इसके बाद में इसको इधर सॉल्व कर लूंगा, ठीक है, इसके बाद में इधर सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है और पूछा भी जाएगा, ठीक है। अब मैं इधर सॉल्व करता हूँ, इधर सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखो, अब देखो मेरा कुछ हो रहा है यहाँ से, वन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, अंदर क्या बच रहा है मेरा, ठीक है, अंदर क्या बच रहा है, देखो अंदर बच रहा है मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब ठीक है, अब देख रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मेरा क्या होता है, वन। इतना अगर मैं सॉल्यूशन समीकरण देखूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मेरा क्या होता है, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, ठीक है। इतना हल करने के बाद देखो, अब जो मेरा ये है ना, ये वन, ये इसके लिए भी कॉस थीटा साइन थीटा है, ये इसके लिए भी कॉस थीटा साइन थीटा है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको वन, ये दो वन प्लस है ना, तो इसके लिए भी एक बार ये है, इसके लिए भी एक बार ये है, ठीक है, वन अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो, अब मैं देखूं वन अपॉन कॉस थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा क्या होगा मेरा, अगर वन अपॉन कॉस थीटा देखो तो वन अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है मेरा सेक थीटा, वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक, वन अपॉन साइन क्या होता है मेरा कॉसेक, अगर मैं देखूंगा वन अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, वन अपॉन साइन थीटा देखूं तो कॉसेक थीटा, ठीक है, प्लस इससे ये कैंसिल तो आ गया यहाँ पे वन सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस वन। और क्वेश्चन क्या था मेरा, मैंने क्वेश्चन मिटा दिया यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन क्या था मेरा, ठीक, क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन मुझे क्या निकालना था लास्ट में, वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ऐसा ही था, सेक थीटा कोसेक कोसेक थीटा, वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, मुझे लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे ये निकालना था, वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर वन, ठीक है, सेक थीटा प्लस वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस वन, या सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस वन बराबर एक ही बात है, ठीक है। तो एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, हाँ थर्ड, ठीक है, फिफ्थ का तीसरा खंड, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड तीसरा, ठीक है। अब इसके बाद में इसका चौथा भी देख लूँ, ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है मेरा, ठीक है, अगला देखूँ मैं इसका फोर्थ नंबर, ठीक है। तो वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, मेरे से क्या बोल रखा है, इसमें दोनों पक्षों को हल करो, ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि दोनों पक्षों को हल करो, आपको दे देगा हो कि आपको दोनों पक्ष हल करने या नहीं है, ठीक है। वन प्लस सेक ए, मैं बात करूँ वन प्लस सेक ए, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँ, देखो वन प्लस सेक ए, ये इसके लिए भी होगा, ये इसके लिए भी, तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, वन अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन sec a, sec a से sec a cancel, sec a से मेरा sec a cancel हो गया, 1 upon sec a क्या होगा, 1 upon sec a होता है मेरा cos a, 1 upon sec a क्या होता है मेरा cos a
प्लस ये इससे ये कटा तो वन, कॉस से प्लस वन आ गया। ठीक है, मेरा बायां पक्ष जो एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी मेरी सॉल्व हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूँ। देखो साइन स्क्वायर है, अब साइन स्क्वायर है यहाँ पे वन माइनस कॉस है, मुझे स्टेप से लाना है कुछ, वन प्लस में लाना है माइनस में। अब इसको भी मैं कुछ ऐसा बना दूँ, ठीक है, इसको भी कुछ ऐसा बना दूँ ताकि मेरा कुछ ऐसा आंसर आ जाए। ठीक है, मैं क्या करूँ, साइन स्क्वायर है, मैंने कुछ पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर वन, मुझे साइन स्क्वायर ही चाहिए। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो गया मेरा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या रखूंगा यहाँ पे, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए, ऐसे जाएगा। अब यार मुझे आंसर तो यहाँ पे ये प्लस वाला चाहिए, ये मुझे प्लस वाला चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, देखो थोड़ा दिमाग तो मुझे लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसको एक का स्क्वायर कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, एक का स्क्वायर तो एक ही होना है। अब मेरा कुछ बन रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब देखो कैसे करूंगा मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा इसमें, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला लगाऊंगा, ए प्लस बी, ए क्या है मेरा एक प्लस कॉस स्क्वायर ए, दूसरा ए माइनस बी, ए क्या है एक माइनस सॉरी कॉस ए, स्क्वायर में नहीं आएगा ना ये, कॉस ही आएगा, बी लूंगा मैं कॉस आएगा। ठीक है, कॉस ए, एक प्लस कॉस ए, एक माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए। अब क्या कर सकता हूँ, वन माइनस कॉस से वन माइनस कॉस कैंसिल करूं तो मेरा कॉस ए प्लस वन बराबर आ गया वन प्लस कॉस ए, या वन प्लस कॉस ए कहूँ या कॉस ए प्लस वन कहूँ, एक ही बात है, आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, या एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस बराबर आ गया मेरा आर एच एस के। ठीक है, हेंस प्रूफ टू, मैंने ये सॉल्व कर दिया। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये प्रूफ करना था, मुझे ये इसके बराबर दिखाना था। ठीक है, तो मेरे आज के ये दो क्वेश्चन फिफ्थ के, तीसरा और चौथा मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है आसान है, लेकिन आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे करना है। ठीक है, एक बार समझ नहीं आया, दो बार करो, 10 बार करो। ठीक है, और शेयर भी करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब की भी करो, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, थैंक यू।